नमस्कार दर्शकों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं चंद्रमा से संबंधित व्यक्तियों के संदर्भ में कि जिन लोगों के जीवन में चंद्रमा की एनर्जी अधिक होती है या जिनका जीवन चंद्रमा संचालित करते हैं उनके जीवन में किस तरह के गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस विषय में आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो यह देने जा रहे हैं दोस्तों कि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जल तत्व है दोस्तों। इसलिए जिन लोगों के भी जीवन में चंद्रमा की प्रधानता होती है या चंद्रमा से संबंधित राशियां जैसे कर्क लग्न हुआ या कर्क राशि हुई, तो दोस्तों यहां पर एक चीज आप समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही भावनात्मक होते हैं। किसी भी चीज की संवेदना को गहराई से समझना ये उनकी खूबी होती है। किसी भी काम को करना यह तो उनकी खूबी है ही, साथ में एक जगह टिककर काम नहीं करना यह भी उनकी विशेषता होती है। यानी ऐसे व्यक्ति किसी भी एक काम को निरंतर लंबे समय तक एक ही तरीके से करते रहें यह उनके लिए संभव नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब पढ़ने के लिए उनको बिठाएं वो एक जगह टिक के पढ़ते नहीं है, थोड़ी देर एक जगह बैठेंगे, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, कभी पेंसिल घुमाएंगे हाथ में, कभी कुछ कॉपी को इधर उधर करते रहेंगे। दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जिनके जीवन में चंद्रमा की अधिकता होती है या चंद्रमा का की प्रधानता उनके जीवन में अवश्य होती है। तो दोस्तों, ऐसे लोग जिनके जीवन में चंद्रमा की प्रधानता अधिक होती है वो भावनात्मक तो होते ही हैं। यदि वो लोग अपने जीवन का क्षेत्र ऐसा चुने जिनके अंदर उन्हें निरंतर कुछ ना कुछ नया करना पड़े, तो दोस्तों ऐसे लोग अपने उस क्षेत्र के अंदर बहुत आगे तक जाते हैं। जैसे कुछ आपने देखा, प्रोड्यूसर हुए, डायरेक्टर हुए, या साहित्यकार हुए, लेखक हुए, दोस्तों इनके अंदर मन की गहराई में जाकर के उन विचारों को शब्दों के माध्यम से लोगों तक लाना बड़ा ही सहज कार्य होता है। ऐसे लोग दोस्तों कहीं ना कहीं चंद्रमा से संबंधित होते हैं। और दोस्तों, यदि मान लीजिए चंद्रमा अच्छा है तो ये सभी गुण व्यक्ति में पाए जाएंगे, और यदि कहीं चंद्रमा क्षीण हो, बलहीन हो या नीच का हो जाए तो इसके विपरीत परिणाम व्यक्ति के जीवन में देखे जाते हैं। यानी कि वो व्यक्ति मन से दुर्बल होते हैं, किसी भी कार्य को करने की इच्छा उनके अंदर नहीं होती है, निरस्ता का भाव होता है। और यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जब चंद्रमा अच्छा था तो व्यक्ति को तरह तरह से कार्य करने का एक अवसर मिलता था और उसको काम करना पसंद था। लेकिन जब चंद्रमा क्षीण हो जाता है या बलहीन हो जाता है या नीच का हो जाता है तो व्यक्ति कार्य को ही नहीं करता, एक डिप्रेशन की स्थिति में दोस्तों यहां पर वो व्यक्ति रहता है। ऐसे में दोस्तों चंद्रमा के यदि व्यक्ति उपाय करेगा तो निश्चित तौर पर उसे अपने मन की इस अवस्था को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। क्योंकि दोस्तों चंद्रमा मन का कारक है, और यदि मन व्यक्ति का प्रसन्न नहीं तो सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी व्यक्ति सदैव निराश, परेशान और विचलित रहेगा। और ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखा गया है कि जब पूर्णिमा का समय आता है, यानी पूर्ण चंद्रमा जब होता है, अगर आपका चंद्रमा नकारात्मक है, नीच का है, बलहीन है, तो पूर्णिमा के समय पर ऐसे लोगों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है। यानी कि ऐसे लोग उस समय पर अपने आप को ज्यादा विचलित महसूस करते हैं, परेशान महसूस करते हैं। ऐसे में अपनी कुंडली के उपाय करके आप चंद्रमा को और चंद्रमा के दुष्प्रभावों को अपने जीवन में कम कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम दोस्तों अगली जानकारी के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।